रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए एंड एस फूड। आज मैं आपके साथ विंटर की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज फिश कड़ी की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर रोहू फिश ली है 1 kg। बहुत ही खूबसूरत इसके मैंने पीसीस ले लिए हैं फिश के। तो इसको अब सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेट। तो मैं इसकी मैरिनेशन के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, 1/2 टीस्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक। बहुत ज़्यादा नमक हमने पहले ही नहीं ऐड कर देना इसके अंदर, क्योंकि जब हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है तो कुछ सॉल्ट हम उसमें भी डाल देंगे। तो साथ ही 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल दूंगी हल्दी। हल्दी खाने में भी अच्छी है और इसको कलर भी बहुत खूबसूरत सा इसने देना है। तो इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ये हरी मिर्च, ग्रीन चिली, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर दूंगी। और 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी मैं लेमन जूस। अब इसको हाथों की मदद से सारी फिश को मसाले के अंदर मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे सारे पीसेस को अच्छी तरह से मसाला लगा दिया, तो अब मैं इनको छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं फिश के सारे पीसेस को कर लूँगी फ्राई। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर फिश के सारे पीसेस में डाल दूंगी। तो अब बारी बारी मैं फिश के सारे पीसेस इसके अंदर डाल दूंगी। दो से 3 मिनट हो चुके हैं इनको एक साइड से फ्राई होते हुए। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। अगर हम पीसीस को बार बार पलटते रहेंगे तो ये पीसीस टूट भी सकते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ जब एक साइड से पूरे हो जाए टाइम 2 से 3 मिनट, तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। जब उस साइड से हो जाए तो हम फिर से इसको चेंज कर लेंगे इसकी साइड को। तो आपने इनको पलटते हुए फ्राई कर लेना, लेकिन बहुत एहतियात के साथ ताकि इसके पीसेस टूटे ना। मैंने यहाँ ये फिश के पीसेस फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, वेजिटेबल ऑयल। तो अगर आप चेंज करना चाहें ऑयल तो आप इसमें सरसों का तेल भी इनको फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शनल है, आप इसको या शैलो फ्राई करें या फिर आप इसको डीप फ्राई करें। यहाँ पर फिश के सारे पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैं बारी बारी इनको किसी प्लेट के अंदर निकाल दूंगी। बहुत एहतियात के साथ निकाल लें ताकि ये टूट ही ना जाए इसके अंदर ही। तो इसको ग्रेवी के साथ फिर बहुत ज़्यादा टाइम अपनी हमें देना पकने के लिए, क्योंकि ये 80% ये यहीं पर हमने फ्राई करके ही इसको कुक कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी फिश निकाल ली है। तो अब फिश की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ली थी, सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनका भी पेस्ट तैयार कर लिया। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। हरा धनिया लिया है फ्रेश। 1 कप दही लिया जिसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। अब मसालों में जो चीज़ें चाहिए होंगी, 1 टेबलस्पून चाहिए था खुश्क धनिया, ये रोस्टेड है। 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा लिया मैंने। 1/2 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए। 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक और हल्दी मैंने जब मैंने फिश के पीसेस को मैरिनेट किया था उस टाइम भी ऐड की थी, तो अब हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के तेज़पात के 2 पत्ते ले लिए। कसूरी मेथी लिए, ये इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया। और
गरम मसाला लिया है ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून लिए है कसूरी मेथी। अब यहाँ मैंने जिस पैन के अंदर मैंने फ़िश करी तैयार करनी है वहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ कप ऑयल। आपने जिस ऑयल के अंदर फ़िश को फ्राई किया था अगर वो ऑयल आपके पास बचा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी तेज़पात, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम प्याज का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। तो ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए साथ में डाल दूंगी इसके अंदर प्याज। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जब इसका कलर पिंक सा आ जाएगा तो उस टाइम पे हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। प्याज की जब भी आप पेस्ट तैयार करें तो कोशिश करें इसके अंदर पानी शामिल ना हो, क्योंकि अगर पानी डाल के हम पेस्ट इसकी तैयार करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है। अगर हम प्याज को फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी जो अपनी नेचुरल जो मिठास है प्याज की वो हमारी ग्रेवी के टेस्ट को भी ख़राब कर सकती है। तो इसलिए लाजमी आप पहले प्याज को फ्राई कर लें, तो जब इसका कलर चेंज हो जाए फिर आप इसमें बाकी मसाला जात जो है वो शामिल कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 5 मिनट तक मैंने इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारे मसाले। अभी मैंने इसके अंदर गरम मसाला और कसूरी मेथी जो मैंने ली थी वो मैंने अभी ऐड नहीं की, वो हम तब डालेंगे जब हम टमाटर का जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो मसाला जब भून लें उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। मैंने इसकी तैयारी में कोई मसाला ऐसा ऐड नहीं किया जो कि आपकी किचन में मौजूद ना हो, मैंने ये मैक्सिमम इसको आसान मसालों के साथ बनाया है तो ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर भी लाजमी किया करें। तो मसालों के साथ मैंने इसकी भुनाई कर ली है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर पेस्ट। और इसके साथ ही रोस्टेड जो कसूरी मेथी है वो शामिल कर दूंगी और गर्म मसाला डाल दूंगी। बस अब टमाटर के साथ हमने अच्छी तरह भून लेना है मसालों को, उसके बाद फिर हम दही ऐड कर देंगे इसमें। तो टमाटर की मसालों के साथ भुनाई करते हुए जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल मसाले से सेपरेट होना शुरू हो गया तो इस पॉइंट पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर दही। दही शामिल कर दूंगी मैं। दही को आप पहले से ही अच्छी तरह से फेंट लें, आप चाहें तो आप दही ऐड कर देंगे 3-4 मिनट के बाद। आप इसके अंदर फिश के जो पीसेज हैं फ्राई किए हुए वो भी डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे पका सकते हैं, लेकिन मैं इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनाऊंगी ज़्यादा। तो मैं जब ये दही अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी हसबे ज़रूरत। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बबल्स बनना शुरू हो गए, इसका मतलब हमारा दही का और बाकी जो मैंने मसाले डाले थे ये सारी ग्रेवी अब तैयार है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1.5 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। आपको जितनी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप उसी के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी डाल के इसको मैं 3-4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसको 2 से 3 उबाल आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर फिश के पीसेस डाल देंगे सारे। तो मैं इसको लिड से कवर कर रही हूँ।
तो 5-7 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ ग्रेवी को, तो ये काफ़ी कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी फिश के सारे पीसेस, तो इनको एहतियात के साथ उठा के आप इसके अंदर रखते जाएं। तो बस ये पीसेस डालने के बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा आप इसको हिला दें। फिश पहले से 80% हमने तैयार कर ली थी जब हमने उसको फ्राई किया था मैरिनेशन के बाद। तो अब सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसकी लिड कवर करके इसको पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिश करी तैयार है। तो अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट और फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। इस पॉइंट पर एक दफ़ा आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। दो में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।